भागीरथी गोंदलपड़ा घाट जाना है। जाएंगे, बैठिए। चलो भाई। कितना भाड़ा हुआ भैया? ज्यादा नहीं, 20 रुपये। सुबह हुई रात हुई बिन तारों का, किस्मत में क्या लिखा है भगवान, खिला न फूल बहारों का। रे पगला, काहे को पागल बनता है रे पगला, काहे को पागल बनता है। तुमसे नहीं है दुनिया, दुनिया रब से चलता है। रे पगला, काहे को पागल बनता है। रे पगला, काहे को पागल बनता है। घर को मिटाने चला था पगला, उस घर को बना क्या पाएगा। मौत की घाट उतारने वाला खुद मौत की घाट उतर जाएगा। मंदिर मस्जिद क्यों करता है, मंदिर मस्जिद क्यों करता सजता है। रे पगला, काहे को पागल बनता है। रे पगला, काहे को पागल बनता है। पड़ा है इस दुनिया का मेरे लिए हर रास्ता,
मुझको दर्शन दे तुझको है दो जहां का वास्ता। कर्म का फल ऐसे नहीं मिलता, कर्म का फल ऐसे नहीं मिलता, कर्म का माना पड़ता है रे पगला। काहे को पागल बनता है रे पगला, काहे को पागल बनता है। मेरे अपराधों को क्षमा करें, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ प्रभु। हे भोलेनाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करें प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हेलो कैडी। हेलो, हाउ आर यू? तबीयत मत पूछो, काम बताओ। ये आदमी हर हाल में बचना नहीं चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में? तुम्हारा क्या काम है? यार, अच्छा, क्या आदमी है यार, ये भी क्या जिंदगी है। इसे तो अच्छा अपन कैसा। मैंने सुना है कि आपके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मैं मैला का मैला ही रह गया? जिंदगी में पहली बार अच्छे कर्मों को करने के लिए मेरे पांव उठे थे, वो भी मैं नहीं कर पाया। मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हाय सूर्या। क्या सूर्या, कब तक भाग दौड़ करते रहोगे? कब तक भाग दौड़ की जिंदगी जीते रहोगे? मेरी आवाज सुनाई देती है या नहीं? जब कोई आए तो उसे बैठने के लिए भी बोला जाता है, इतना नहीं मालूम है बुद्धू? हमने सुना है तुमने सिटी को भी मार दिया, क्यों ऐसा करते हो? तुम्हें पता है शादी के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ती है। अरे तुमसे कौन शादी करेगा? कोई ना कोई तो होगी जो मेरा रास्ता देखेगी। मैं ही हूँ जो तुम्हारा राह देखूंगी। अगर किसी और ने भी नजर उठाकर देखा उसका मुंह नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरी जिंदगी में बहुत अफरा तफरी है, अलग रहकर।
इस फाइल में उस आदमी की तस्वीर है जिससे हमारी जाति दुश्मनी है। यह आदमी हर हाल में नहीं बचना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुम्हारा हर काम मैंने सलीके से किया है, मुझ पे संदेह करना ठीक बात नहीं है। मैं उसी को मारता हूं जो गुनहगार होता है। जिस दिन मैं बेगुनाहों को मार दिया उस दिन तेरा खेल खत्म। सूर्या, तुम्हारा खून हर वक्त गर्म रहता है, कहो तो ठंडा मंगवा दें। मेरा खून गर्म है, गर्म ही रहने दो, अपने काम से काम रखो। मेरे हिस्से का माल किधर है? तुम्हारा मैं ताना और उसका फोटो इसी फाइल में। मेरा काम हो जाना चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। तलाशी लेनी है क्या? आओ सूर्या,
तुम्हारा इंतजार था। बैठो। क्या बात है श्रिया, आजकल मेरे काम पर ध्यान ही नहीं दे रहे। एडी, मैं जो भी करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, मेरे काम में संदेह मत करना। अरे सूर्या, तुम बात बात में गुस्सा हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। काम के लिए बोला है, काम पर। सूर्या, आजकल बहुत कुछ बोल रहे हो। एडी, समझा इसको। ऐसे ऐसे खिलौने मैंने बहुत दे और तोड़ दिए उसे। तुम लोग समझ क्या रखा है? निकालो क्या? रहने दो। बैठ जाओ। मुझे बैठना नहीं है, मेरा काम दो, मैं निकलता हूँ। मुझे गोली क्यों मारा भाई? मैं जानबूझ के तुझे नहीं मारा भाई, गलती से तुझे गोली लग गई भाई। गोली जानबूझ के लगी? यहां जाने में तुमने मुझे सुपर कार्य में फिगर न डाल दिया। मेरा ये सुपर कार्य कौन करेगा? मैं करूंगा। मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। ए भाई, मैं कितने दिनों से देख रहा हूं तुम इस मंदिर के प्रांगण में आते हो। तुम कौन हो? ना तुम कुछ खाते हो ना पीते हो, भूखे मरने का विचार है क्या? यहां लोग आते हैं मुक्ति पाने के लिए, तेरे को मुक्ति मांगता है क्या? अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो भूखे नहीं मरने का, क्योंकि यह मतलबी दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देने वाली और ऊपर भी कुछ नहीं मिलने वाला। मैं 2 दिनों से तुम्हारी निगरानी में हूँ, ना तुम कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो। तो रुक, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला रहा हूँ। इधर ही बैठा रहा, मैं कुछ लेकर आ रहा हूं। सूर्या, क्या देख रहे हो? तुमने अपने जीवन काल में जो भी कार्य किए, क्या वो उचित था?
इनकी नजर में वो गुनाह है। किसी को मारना, किसी को काटना, ये मनुष्यों का कार्य नहीं, परमात्मा के नजर में ये घोर अपराध है। जिसकी मुक्ति कार्य हेतु तुम यहां आए हो, वो पात्र भी तुमने खो दिया है। उसकी मुक्ति का तुम व्यर्थ में चिंता ना करो। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो संसार के समस्त जीवों से, समस्त प्राणियों से प्रेम करो, प्यार करो, यही मुक्ति का मार्ग है। सूर्या, जीवन के सार को समझो। ए भाई मैं तेरे लिए कुछ ले आया। ए भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे मैं किधर बैठा हुआ था? क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आया हूँ, ले खा ले। मेरे गुनाहों को माफ करते हुए
उसकी आत्मा को शांति देना। हेलो सूर्या, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें जो काम दिया था उस काम का अंजाम नहीं दे पाया। क्या सूर्या, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कम से कम उसका ख्याल करो। देखो बेटी, ये सब काम मैं छोड़ चुका हूँ। मैंने हथियार चलाना छोड़ दिया, इसका मतलब रखना भी छोड़ दिया क्या? बहुत बुरा कर रहे हो सूर्या, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जिसको अपना परिवार प्यारा होगा वो पीछे हट जाएगा।